वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको फिर से बहुत प्यारा सा राखी का न्यू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने ये दो रंग लिए हैं, रेड कलर है और ये येलो कलर है। तो इसी से बनाना बताऊंगी। ये जो मैंने बनाया ये फर वाली ही बूल थी उससे बनाया है, थोड़ा बड़ा साइज़ बना है। तो अब ये थोड़ा बारीक सी बूल से बना रही हूँ मैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने क्रोशिया पे ऐसे नोट बांध लेनी है। ये देखिए नोट बांध ली, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 ये 5 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर हमने ऐसे क्रोशिया डालकर स्लिप नोट से ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद हमने एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल दिया, ये हाफ डबल क्रोशिया, ये हम दो बार बनाएंगे। ठीक है, 3 हो गए ये हमारे। और अब हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 ये 3। अब हमने इस धागे को थोड़ा लंबा छोड़कर इसे हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब हम दूसरा कलर लेंगे, ये मैं येलो कलर ले रही हूँ, अब इससे बनाऊँगी। अब हमने यहाँ पर इसे ऐसे ज्वाइन कर लेना धागे को। और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये जो धागे हैं, अब हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। दो बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 हो गया, ये 3। इस धागे को भी छोड़ देंगे। अब हमने इस धागे को जो हमने ये छोड़ा था पहले रेड कलर का, इससे बुनना है। अब ये जो हमने 6 बनाए हैं हमारे, 3 डबल क्रोशिया है तो 2 हमारे हाफ डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया है। तो 6 हमारा जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हमने बनाना है। पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहला जो है इसके अंदर बनाएंगे, इसके अंदर डबल क्रोशिया, 1 में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट फिर अगले में फिर से 2, ये जो हमारा है इसलिए धागे को थोड़ा कस लेंगे। ये जो फर्स्ट हमने बनाया था इसके अंदर हमने पहले बनाना है 1 डबल क्रोशिया, इसी के अंदर हमने एक और बना देना है। 2 हो गए हमारे। नेक्स्ट फिर हमने 2 बनाने हैं, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसके आगे अगली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। 6 हो गए जी। नेक्स्ट फिर 2 बनाने हैं यहाँ पर, नेक्स्ट फिर से 2 4 6 8 10 यहाँ पर हमने 12 बनाने हैं। अब इसमें भी बना देंगे एक चेन में 2 बार। ठीक है, अब हमने यहाँ से डोरी बनानी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हमने बना ली हैं, ये चेन बनाई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारी चेन बनी है 25 चेन बनाने के बाद हमने 1 2 चेन और लेनी है। और ये जो तीसरी चेन है इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर ऐसे हमने जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे निकाल लेना है, 2 में से 1 बार निकाल लेना और 1 को हमने ऐसे इसके ऊपर ही रहने देना है। और फिर से धागा ऐसे लपेटेंगे और इसी के अंदर हमने फिर से क्रोशिया डालकर फिर हमने 2 निकाल लेना है। अब 3 हो गए ये, फिर से धागा लपेटेंगे और फिर से इसके अंदर और
दो निकाल लेंगे, ये पांच हो गए अब हमारे। चार हो गए, और फिर से इसके अंदर दो में से निकाल लेंगे। अब ये पांच हो गए, एक बार हम फिर से निकालेंगे, ये फिर से हम यहाँ पे दो। अब ये हमारे पास छः हो गए हैं। अब छः को हम एक साथ निकाल देंगे ऐसे, और ऐसे हम लॉक कर देंगे और अब धागा काट देंगे। धागा काट देंगे, जो बाकी का धागा है इसे हम पीछे को ऐसे हाइड कर देंगे कहीं भी, एस्क्रोशिया डाल के ऐसे। एक बार फिर से निकाल देंगे, एक दो बार हम निकाल देंगे पीछे से अच्छे से, और जो फिर बचेगा उसको भी हम काट देंगे। देखिए ठीक है, इसे भी काट देंगे, ये एक्स्ट्रा है। देखिए ये एक साइड हमारा बन गया है। अब हमारा ये येलो कलर से बनाना बाकी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने शुरू में बनाया था यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीन हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके अंदर अब हमने बनाना है। पहले इसके अंदर बनाएंगे, दो बार बना लेंगे, हर एक में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट फिर से हम जैसे उस तरफ हमने 12 बनाए थे डबल क्रोशिया, वैसे ही हमने इस तरफ भी बनाने हैं। ये देखिए इसके अंदर फिर से दो डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर ये देखिए दो चार छ आठ दस 12, ठीक है 12 हमारे बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फिर से हमने इस कलर से ही डोरी बना देनी है। 3 4 5 6 7 25 बना लिया, दो चेन और लेंगे, और जो ये तीसरा वाला चेन है इसके अंदर हमने क्रोशिया डाल के ऐसे, पहले हमने दो निकालने हैं, इसको हम रहने देंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसके अंदर क्रोशिया डाल के दो का एक बनाना है। अब ये तीन हो गई हैं, फिर से दो निकाल देंगे। अब ये चार हो गई हैं, फिर से दो निकालेंगे। ये पांच हो गए, अब एक बार और बनाएंगे, फिर से दो का एक बना देंगे। अब छः हो गए, दो चार छः, अब छः को हम एक साथ निकाल देंगे और लॉक लगा देंगे एक चेन और लेके। अब इसे काट देंगे धागे को, ये देखिए इसे भी हम पीछे को हाइड कर देंगे, कहीं भी आप क्रोशिया डालकर इस धागे को ऐसे निकाल देंगे। दो तीन बार निकाल लो, और अब इस धागे को भी जो एक्स्ट्रा है इसे भी हम काट देंगे। ये देखिए हमारी राखी बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पर भी हम जो ये धागा है इसे एक बार दो बार गांठ लगाकर इसे भी काट देंगे। आपने देखा कितना इजी डिज़ाइन है, ये थोड़ी सी भूल में और दो मिनट में बनके तैयार हो जाता है। ये तो मुझे थोड़ा, मैं बताती हूँ आपको तो थोड़ा टाइम लग जाता है सिखाने में, समझाने में, नहीं तो अगर हम ऐसे ही बनाते हैं कैमरा के आप बिना तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो इसके अंदर आप चाहे तो अगर आपके पास कुछ मोती हैं, स्टोन हैं आपके पास, तो वो आप लगा सकते हो। ये देखिए आपके पास अगर कोई मोती है तो आप, मोती अगर है तो आप सुई के साथ लगा सकते हो, स्टोन है तो आप स्टोन को भी इसके अंदर लगा सकते हो, अगर सुई के साथ टांगना चाहते हो तो सुई के साथ, नहीं तो ग्लू के साथ आप चिपका सकते हो। तो ये देखिए कितने सुंदर ये राखियाँ बनके तैयार हुई हैं। डिज़ाइन सेम है, बस थोड़ा वूल में फ़र्क है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा बारीक वूल से बनाया है, वो थोड़ी मोटी वूल थी फर वाली,
ठीक है। बाकी आप अपनी डोरी अपने हिसाब से आपने देख लेना है, जितना आपको लंबी रखनी है, इससे भी लंबी आप बना सकते हो। तो उम्मीद करते हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।